नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि निफ्टी ऑप्शंस में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर पूरा दिन क्या हुआ था। हालांकि मैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का जो हाफ डे वाला काम है, यानी 2 बजे तक का जो परफॉर्मेंस था, वो वीडियो यहाँ पर शेयर कर चुका था, लेकिन इसके आगे का मैंने वीडियो अभी तक पब्लिश नहीं किया था। तो ये सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या हुआ था वो सारी बातें हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर आप निफ्टी ऑप्शन के अंदर आप काम करते तो कितना क्या आपका मुनाफा रहता, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो ठीक है, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अब जैसे कि देखिएगा, ओपनिंग का जो कैंडल होता है वो हमें पता कराता है कि भाई आज मार्केट किस स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ओपनिंग कैंडल आपकी ये रही, इस पर सिंपल सा मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पर शो कर रहा है 19,330। यानी कि आज जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है उसका जो स्ट्राइक प्राइस बनता है वो 19,300 का बनता है, क्योंकि यहाँ पर 19,330 आपका स्ट्राइक मतलब की ओपनिंग प्राइस आया है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 19,300 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर देखिएगा, हम जैसे ही लिखेंगे 19,300 तो आपका 19,300 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ ऑप्शन के चार्ट पे। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने 19,300 के पुट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखिएगा आपको सारी जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपका जो चार्ट चल रहा है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन निफ्टी पुट ऑप्शन 19,300 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा होगा 3 मिनट टाइम फ्रेम। यानी कि ऑप्शन के अंदर जब आप काम करते हो तो वहां पर 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको काम करना है, क्योंकि ऑप्शन का जो मूवमेंट होता है साहब वो काफी ज्यादा होता है। अगर आप वहां पर टाइम फ्रेम ज्यादा रखते हो तो वहां पर आप मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर हम जो ऑप्शन में काम करते हैं वहां पर 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्या हुआ था। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिएगा बार रिप्ले ओपन कर लेते हैं। देखिएगा, ये रहा अपना बार रिप्ले। ठीक है, मैं आप इसको थोड़ा रख देता हूँ साइड में और इसकी सेटिंग किए देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि उसके अंदर उस दिन क्या हुआ था। तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर कितना तारीख था, ये अपना था ये 25 अगस्त। ठीक है, तो मैं 25 अगस्त का स्टार्टिंग डेट और 26 अगस्त का एंडिंग डेट यहाँ पर रख रहा हूँ और थोड़ी इसकी स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आए, और इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ जिससे ये बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको मैं प्ले कर देता हूँ। हमने जैसे इसको प्ले किया तो भाई बहुत से लोग ये पूछते हैं मुझसे कि सर यहाँ पर देखिएगा आपके यहाँ पर काफी अच्छा गैप रहता, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं होता। तो बता देता हूँ दोस्तों, देखिए नीचे आपको यहाँ पर स्क्रॉल मिल जाता है, स्क्रॉल ये, इससे आप चार्ट को आगे पीछे यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये स्क्रॉल देखिएगा यहाँ पे होता है ये। ठीक है, इस स्क्रॉल की मदद से आप चार्ट को आगे पीछे कर सकते हो, या फिर जैसे कि चार्ट पे कहीं पर भी आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद माउस से भी इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, माउस का जो स्क्रॉल होता है उससे। ठीक है, और यहाँ से देखिए प्लस का जो बटन होता है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा गैप आ जाता है। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी मिल गई होगी और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं इसका प्ले कर देता हूँ बार रिप्ले और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमने कैसे वर्क किया। तो ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपका कैंडल ओपन हुआ ओपनिंग से आपको सब चीजें चेक कराना चाहूंगा। जैसे कि हमारा तरीका जो होता है वो ये कहता है, जैसे कि मान चलिए पुराना सिग्नल जो जनरेट हुआ है, इसके बाद अगर यहाँ पर आज जो मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होते से यहाँ पर अगर कोई हमारे इंडिकेशन मिल जाता है री एंट्री करने का तो इसको हम डेफिनेटली री एंट्री कर जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी री एंट्री करने का लिए इंडिकेशन नहीं मिला, इसलिए हमने इसको अवॉइड कर दिया और कोई भी हमने ओपनिंग टाइम पे काम नहीं किया। और आप चेक कर सकते हैं मार्केट, देखिएगा ओपनिंग होने के बाद देखिए फिर से आपका नीचे आना शुरू कर दिया और आपका जो री एंट्री का जो जब तक आपको री एंट्री कर सकते थे तो री एंट्री वाली जो आपकी लाइन थी, ये वाली जो ग्रीन कलर की लाइन थी वो यहाँ से देखिए रेड में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, इसका मतलब हमारा री एंट्री करने का मौका अब खत्म हो गया। अब री एंट्री अगर बनेगा तो हम यहाँ पर री एंट्री नहीं कर सकते, हम यहाँ पर फ्रेश सिग्नल पे ही यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं भाई आगे क्या हुआ। इसके आगे देखिएगा मार्केट कुछ इस तरह से आपका चला और देखिएगा मार्केट यहाँ से लगातार अभी नीचे चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर इंडिकेशन बाय करने के लिए दिखाई नहीं दिया। इसके बाद देखिएगा आपको एक बाय सिग्नल यहाँ पर मिला था, थोड़ा उसको मैं पीछे करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा
ये आपका बाय सिग्नल जो जनरेट हुआ इस कैंडल पर आपका जनरेट हुआ, तो जिस कैंडल पर सिग्नल जनरेट होता है उसे बोलते हैं सिग्नल कैंडल, और जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसे बोलते हैं एंट्री कैंडल। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो वॉल्यूम है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, और इसके बाद ये एंट्री करने से पहले आपको सेकेंड कैंडल पर ये भी चेक करना है कि जो मार्केट का स्ट्रेंथ है वो लगभग 40% ग्रीन कलर के अंदर होना चाहिए। अब ये 40% से ऊपर ही था मतलब काफी अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर 68% आपका स्ट्रेंथ है और वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, मतलब भाई डेफिनेटली ये टारगेट देके जाएगा, ये 100% हमें यहाँ से पता चल चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एंट्री कितने पे करेंगे, तो यहाँ देखिएगा आपको एंट्री का प्राइस आपको सामने यहाँ पर लिखा होगा 112.10। तो यहाँ पर देखिएगा आपको एंट्री का प्राइस ये लिखा आपका ये वाला, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको 112 रुपए के आसपास एंट्री कर लेना है। अगर जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कैंडल जो थी उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, वो नेक्स्ट कैंडल की अगर देखिएगा लोअर प्राइस अगर देखें तो 105.35 रुपए का इसका लोअर प्राइस है, यानी कि मार्केट 112 के बाद पहले एकदम नीचे आया और 105.35 रुपए का लो बना के गया, इसके बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो इजिली आपकी एंट्री यहाँ पर 112-110 के आसपास लगभग हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अभी एंट्री कर चुके हैं, अब सिंपल सा हमें टारगेट के ऊपर देखना है। अब आप यहाँ पर चेक कीजिएगा तो देखिएगा मार्केट ने आपको फर्स्ट टारगेट अचीव कर दिया, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हो चुका है, और सेकंड टारगेट अचीव होने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक रेड कलर का यहाँ पर 9 नंबर आपको लिख के आ रहा है। अब इसका मतलब होता है एग्जिट पॉइंट, यानी कि अगर आप कोई बाय कर रहे हो, बाय करने के बाद वहां पर अगर रेड कलर का कोई इंडिकेशन आ जाए या फिर ऐसा एक एरो बन के आ जाए येलो कलर में या फिर रेड कलर में, मतलब कि आपको एग्जिट वहां पर करना है। ठीक है, तो या तो ये हो जाए या फिर जब आप बाय करते हो बाय करने से लगातार आपकी ग्रीन कलर की कैंडल जनरेट हो रही है, इसके बाद कोई व्हाइट कलर का कैंडल जनरेट हो जाए, जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जिट पॉइंट पहले जनरेट हुआ तो हम इसी कैंडल पर एग्जिट करेंगे। ठीक है, व्हाइट कैंडल बाद में जनरेट हुआ इसलिए हम उसको अवॉइड कर देंगे। हाँ, अगर व्हाइट कैंडल पहले जनरेट हो जाता तो हम व्हाइट पे मतलब कि अवॉइड कर जाते, तो हमें देखिएगा यहाँ पर इसको एग्जिट कर लेना है। तो इस कैंडल का मैं आपको हायर और लोअर बताना चाहूंगा, इसका सॉरी इस कैंडल का मैं क्लोजिंग प्राइस आपको बताना चाहूंगा। इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कितना है, 132.40 रुपए, यानी कि हमारी जो एग्जिट हुआ है, हम लोग जो एग्जिट किया हमने 132.40 रुपए के पास हमने एग्जिट कर लिया है। तो हम कैल से निकाल के यहाँ वैल्यूएशन कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 132.40 रुपए यहाँ पर आपका एग्जिट का प्राइस है और आपकी एंट्री प्राइस कितनी थी, 112.10। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर अप्रोक्स आपको 20 पॉइंट यहाँ पर मिले हैं। अगर एक सिंगल लोड से यहाँ पर वर्क होता कितना पैसा मिलता, लगभग 1000 रुपए, और यही काम अगर आप 10 लोड में करते आपका जो मुनाफा रहता वो 10,000 रुपए के आसपास आप यहाँ पर इजीली बना लेते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग आगे बढ़े, देखिएगा आगे बढ़ने के साथ साथ देखिएगा मार्केट आपका साइडवेज यहाँ से चलना शुरू कर दिया, यानी कि अभी हमें कुछ काम नहीं करना, हमें यहाँ पर वेट करना है। और देख सकते हैं आपके यहाँ पर ये देखिएगा आपका जो री एंट्री का जो सिंबल था यहाँ पे री एंट्री करना था वो भी यहाँ से कैंसिल होके डाउन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब री एंट्री आप नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको अब फ्रेश सिग्नल चाहिए तो ही आपका काम होगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। इसके बाद देखिएगा मार्केट में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिली, मार्केट ने यहाँ पर एक पैसा भी मतलब अभी तक नहीं दिया, मतलब कि यह जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ था उसके अंदर पैसा मिला था, लेकिन अभी यहाँ से देखिएगा लगातार डाउन चल रहा है मार्केट, तो अभी कोई भी यहाँ पर बाय करने का सिग्नल नहीं दिया, मेरा कहने का मतलब ये था। अब देखिएगा फिर से आपको यहाँ पर एक बाय करने का यहाँ पर सिग्नल मिलता है, ये देखिएगा यहाँ पर मिला। अब लेकिन हम लोग नीचे चेक करेंगे कि हमारा वॉल्यूम यहाँ पर ग्रीन है, तो साहब देखिएगा वॉल्यूम आपका ग्रीन नहीं है, और यहाँ पर सीधी सी बात, हम वॉल्यूम हमारा ग्रीन नहीं है मतलब हमारी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, मतलब हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको टोटली अवॉइड करेंगे। आप देखते हैं क्या हुआ, इसके बाद देखिएगा मार्केट लगातार इस तरह से चला, यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर री एंट्री करने के लिए यहाँ पर ये सिग्नल आपको मिला। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, आगे बढ़े और यहाँ से इस कैंडल पर मैं चेक करता हूँ तो इस कैंडल पर आपको फिर से एक री एंट्री करने के लिए सिग्नल मिला। री एंट्री जब आप करते हो तो वहां पर आपको चेक करना है कि वॉल्यूम आपका ग्रीन होना चाहिए। तो जिस कैंडल पे आपकी री एंट्री बनती है, री एंट्री कैसे बनती है थोड़े को जूम इन करके आपको दिखा दूं, ये देखिएगा।
तो री एंट्री जो आपकी बनेगी वो आपके कुछ इस तरह का ट्राइंगल आपको जनरेट होके आएगा, ये देखिएगा। जैसे कि आपका बाय तो यहाँ बन गया था, लेकिन बाय बनने के बाद देखिएगा मार्केट के अंदर अपना वॉल्यूम रेड था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, डिसीजन नहीं लिया, लेकिन इस कैंडल पर आपका एक री एंट्री यहाँ पर बन के आया था। तो वहां पर इसी कैंडल पर आपका री एंट्री पॉइंट बनता है, वहां पर आपको सारी चीजें चेक करना है। जैसे कि देखिए नीचे वॉल्यूम ग्रीन होना चाहिए और मार्केट का स्ट्रेंथ लगभग 40% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब आप एंट्री भी कितने पे करोगे, इस कैंडल का देखिएगा आपका क्लोजिंग प्राइस कितना है, 109 रुपए 45 पैसा। तो आपकी एंट्री जो होगी ना 109 रुपए 45 पैसे के आसपास, 109 रुपए 110 रुपए भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 109 रुपए के आसपास आपकी एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि आप चेक कर सकते हो, जैसे नेक्स्ट कैंडल में क्लिक कर देता हूँ, तो इसका कैंडल का जो लोअर प्राइस है 108 रुपए 25 पैसे के आसपास, यानी कि इजिली आपकी एंट्री 109 110 के आसपास इजिली हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, एंट्री करने के बाद हम लोग चेक करेंगे क्या कि भाई मार्केट के अंदर क्या हो, या तो यहाँ पर हमें क्या कर दे, एग्जिट कर दे मार्केट, या फिर हमें क्या करें, मार्केट टारगेट दे जाए। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, आपका इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जनरेट किया, और यहाँ पर इस कैंडल पर आप चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक व्हाइट कलर का कैंडल जनरेट होके आया। अब भाई मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जब आप एंट्री करते हो, जब एंट्री आप फ्रेश करते हो, तो वहां पर क्या होगा, जब तक मार्केट आपका फर्स्ट टारगेट अचीव नहीं करे, इसके पहले अगर व्हाइट सिग्नल जनरेट होता है, व्हाइट कलर कैंडल जनरेट होती है, वहां पर एग्जिट नहीं करना। लेकिन री एंट्री के केस में ऐसा नहीं होता। री एंट्री जब हम करते हैं, जैसे कि हमने जो किया है वो री एंट्री किया है, हमने यहाँ से एंट्री नहीं किया, हमने यहाँ से एंट्री किया, उसको री एंट्री बोलते हैं। तो री एंट्री जब की जाती है, तो वहां पर आपका टारगेट का हम वेट नहीं कर सकते। अब आपका जो भी फर्स्ट मतलब कि व्हाइट कलर कैंडल जनरेट होगा, वहां पर आपको एग्जिट कर जाना है। और आप एक नोट करने वाली बात यह है कि एक कैंडल जो व्हाइट कलर की आपकी जनरेट हुई, इसके साथ में आपको एक ये देखिएगा एग्जिट पॉइंट भी मिला, यानी कि डबल कंफर्मेशन, यानी कि भाई मार्केट में स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। तो इस कैंडल का अगर मैं आप बताऊँ, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस देखें, तो इस कैंडल का देखिएगा 110 रुपये हायर प्राइस है, और इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लगभग 101 रुपये 95 पैसे, यानी 2 रुपये के आसपास, 102 रुपये के आसपास। तो हमने इसको एंट्री कितने से किया, हमने एंट्री किया 109 रुपए के आसपास, और एग्जिट कितने से किया, 102 रुपए के आसपास। यानी कि हमने यहाँ पर पैसा बनाया, नहीं बनाया, लगभग हमने यहाँ पर 7 पॉइंट का नुकसान किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है यहाँ पर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे कि हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या हुआ, मार्केट देखिएगा साइड बाय साइड आपका चलता रहा, देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स आपका हो गया है। तो यानी कि हम यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले, हम यहाँ पर वेट करेंगे, फिर उसे यहाँ पर वेट करना है कि कुछ अच्छा सिग्नल मिले, और इसके बाद हम काम करेंगे। लेकिन देखिएगा सिग्नल मिलने की जगह देखिए मार्केट आपका रिवर्स होकर नीचे आ गया, और हम यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। अब री एंट्री हम नहीं करनी, हमें फ्रेश सिग्नल का फिर से वेट करेंगे, और फ्रेश सिग्नल जो भी जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं किस चीज का, कि नया सिग्नल जनरेट हो। दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर की मदद से आप जब प्रॉफिट करते हो, तो प्रॉफिट जो आपका होगा वो काफी ज्यादा रहेगा, 20 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट। लेकिन अगर आपका जगह लॉस अगर होता है, तो वो आपका 5 से 10 पॉइंट का ही लॉस होता है। ये चीज बिल्कुल प्रूफ करके मैंने बताई है, सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा फिर से आप देखिएगा बाय सिग्नल आपका जनरेट हुआ, जो कि 105 रुपए 95 पैसे में जनरेट हुआ। नीचे आप देखिएगा वॉल्यूम आपका ग्रीन था, और आपको 105 रुपए 95 पैसे के आसपास एंट्री करना था। आप देखिए मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 52% आपका ग्रीन है, मतलब डेफिनेटली आप यहाँ पर एंट्री करोगे। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं के अंदर हम डेफिनेटली एंट्री करेंगे, और एंट्री देख कितने होगी, 105 रुपए 95 पैसे के आसपास। तो देखिएगा इस कैंडल पर हम नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री करेंगे, 105 रुपए 10 पैसे का इसका लोअर प्राइस है। तो हम इसको अब चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या हुआ। अब आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एंट्री किया, एंट्री करने के बाद देखिएगा मार्केट के अंदर मूवमेंट आपको मिला, और मार्केट देखिएगा आपका फर्स्ट टारगेट लगभग अचीव कर चुका है। इसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पर व्हाइट कलर की कैंडल आपकी जनरेट हुई, और आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना था, लगभग 106 रुपए के आसपास आपकी एग्जिट हो गया। यानी कि हमने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कमाया भाई, ना अपन ना लॉस किया, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा मार्केट आपका साइडवेज चला, इसके बाद देखिए मार्केट आपका रिवर्स हो गया, यानी कि इस वाले सिग्नल के अंदर भी हमने कोई कमाई नहीं की, हमने 1 पॉइंट का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट लिया, यानी कि ब्रोकरेज हमने निकाली बस, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेक कीजिएगा यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए थोड़ा इसको पीछे कर लेता हूँ। यहाँ देखिएगा आपका एक री एंट्री सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पर नीचे देखिए वॉल्यूम आपका ग्रीन था, और स्ट्रेंथ आपका लगभग 52% था। हम फिर से यहाँ पर री एंट्री करेंगे, 113 रुपए के आसपास आपकी री एंट्री हुई, और आप चेक कीजिए मार्केट ने क्या किया। देखिए मार्केट काफी ऊपर भागा, और देख सकते हैं मार्केट ने काफी अच्छी चाल यहाँ पर चली है, और देखिए मार्केट ने अपना मतलब दिन भर का जो हमने वेट किया था वो सारा पैसा यहाँ पर दे दिया है। अगर मैं क्लोजिंग तक अगर बात करता हूँ, तो लगभग देखिएगा यहाँ से 113 रुपए से लगभग मान के चलिए एंट्री हुई हमारी, और 138 के आसपास लगभग मार्केट क्लोज हो गया। तो 138 तक मैं चलिए मान के चलता हूँ क्लोजिंग टाइम तक,
113 से एंट्री, लगभग 25 पॉइंट यहाँ पर मिले हैं। सर टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? लगभग यहाँ पर 1,250 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब मैं आपको दिन भर का जो भी हमने प्रॉफिट किया है वो जितना, मतलब कि हमारे जो नुकसान भी हुआ एक दो पॉइंट बीच में, वो भी मैं आपको कैलकुलेशन कर लेता हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में क्या हुआ था, 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, क्लोजिंग टाइम पर 25 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 45 पॉइंट का। इसके बाद अगर मैं बताऊँ यहाँ पर इस सिग्नल में क्या हुआ था, हमने 105 रुपये, मतलब कि 106 रुपये के आसपास एंट्री की थी और 106 पर हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया था। लॉस कितना हुआ? जीरो, यानी कि हमारा बस ओनली ब्रोकरेज लगा है, हमने यहाँ पर कोई नुकसान नहीं किया। इसके पहले एक सिग्नल जनरेट हुआ था जिसमें हमने री एंट्री किया था, यहाँ से 109 रुपये, 110 रुपये के आसपास हमने एंट्री की थी और यहाँ पर 102 रुपये के आसपास हमने एग्जिट किया। मतलब 7 से 8 पॉइंट का नुकसान मान के चलिए, मैं अप्रोक्स यहाँ पर 8 पॉइंट मान के चलता हूँ, ठीक है। कितना? तो फिर भी हमें 37 पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव प्लस के मिले हैं, यानी कि सिंगल लोट के अंदर यहाँ पर अगर काम हम करते तो तकरीबन हमारा जो मुनाफा रहता वो लगभग 1,850 रुपये का मुनाफा रहता। इट्स प्रूफ, यानी कि हमने नुकसान नहीं किया, हमने यहाँ पर मुनाफा बनाया है। ये सिंगल लोड की बात कर रहा हूँ। यही काम अगर करते हैं हम 10 लोड के अंदर कितना पैसा बनाते साहब? 18,500 का। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर की मदद से आप इजिली, मार्केट कैसे ही भी हो, साइड बेस हो भाई कैसे ही हो, मार्केट आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। अब ये बात छोड़ दो कि भाई मार्केट साइड बेस है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अब भाई साइड बेस होगा तो भी पैसा मिलेगा, अगर मार्केट ट्रेंड वाइज होगा तो भी पैसा मिलेगा, ठीक है, आप निश्चिंत हो जाइए। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो अपना बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी का अपना पुट ऑप्शन हो गया। अब मैं निफ्टी के कॉल ऑप्शन के अंदर बात करता हूँ। तो देखिए निफ्टी का मैं कॉल ऑप्शन यहाँ पर निकाल लेता हूँ और इसका मैं पूरा बार रिप्ले स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, मैं इसका बार रिप्ले चालू कर देता हूँ और आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर क्या हुआ। तो देखिएगा, जैसे मार्केट आपका ओपन हुआ, ओपन होते से लगातार मार्केट आपका नीचे चला, ये आप चेक कर सकते हैं। और मार्केट देखिए थोड़ा नीचे आपका चलता रहा, लेकिन मार्केट के अंदर कोई यहाँ पर कोई सिग्नल हमें नहीं मिला जिसके अंदर हम काम कर सकें। और आप चेक कर सकते हैं मार्केट की जो वैल्यू है, बार बार देखिएगा यहाँ पर चल रही है, लेकिन यहाँ पर साइडवेज मार्केट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अगर हमारा मार्केट जैसे कि देखिएगा 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, लेकिन 100 रुपीज़ से अगर नीचे आता है, 80 रुपीज़ के अगर नीचे आता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्ट्राइक प्राइस है चेंज करना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं आपका प्रीमियम वैल्यू 100 रुपीज़ के नीचे आ चुका है, यानी कि हम यहाँ पर इन द मनी का हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन ये होती है, यह कहती है कि 100 रुपीज़ की प्रीमियम वैल्यू के नीचे हम लोग काम नहीं करते, ठीक है। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि 100 रुपीज़ के नीचे मार्केट आपका चल रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको इन द मनी सेलेक्ट कर लेना है। तो 19,300 आपका कॉल ऑप्शन है, तो इसका जो इन द मनी होगा 19,200 होगा, ठीक है। मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ। तो चलिए मैं इसको फिर से रिस्टार्ट मतलब कर दिया मैंने, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मार्केट के अंदर जो चाल है वो आपको यहाँ पर शो कर रही है। आप चेक कर सकते हैं सारा चीज, सारा काम आप पूरा चेक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर कोई भी हम लोग हाइड नहीं करते, आपको सब चीज बिल्कुल बार रिप्ले करके इसलिए बताई जाती है ताकि आपको पता चले कि रियल मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपको देखिएगा 22 सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन नीचे चेक कर सकते हैं वॉल्यूम आपका ग्रीन नहीं है, साथ साथ आपका स्ट्रेंथ भी यहाँ पर ग्रीन है, इसको अवॉइड करेंगे। इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर, सभी लोग आपको क्या बताएंगे, भाई ये हुआ था यहाँ पर, ये बाय हुआ था यहाँ पर, सेल हुआ, सभी वही बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बार रिप्ले करके कोई नहीं बताता, हम पैसे पहले हैं जो कि आपको बार रिप्ले करके बताते हैं, सारी चीजें आपको लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें दोस्तों, अब मार्केट में लॉस करने के दिन खत्म हो गए, अब आपको पैसा बनाना है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ आइए, डेफिनेटली आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। और देखिएगा, इसीलिए हम बार रिप्ले के माध्यम से आपको हर चीज़ क्लियरली शेयर करते हैं, ताकि आपको चीज़ समझ में आए कि यार सच में पैसा मार्केट के अंदर बनता है। ये देखिएगा अपना निफ्टी के कॉल ऑप्शन के अंदर, देखिएगा अभी हमने कोई काम नहीं किया, देखिए अपना लगभग 1.5 लगभग 2 बजे का टाइम लगभग हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका 22 सिग्नल जनरेट हुआ था, वॉल्यूम आपका ग्रीन था, लेकिन मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव है, यानी कि हम एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट का स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए, ग्रीन कलर में होनी चाहिए लगभग 40%, लेकिन मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है, नेगेटिव रेड कलर में है, ये मतलब हमारा ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा, अवॉइड करेंगे इसको, ट्रेड नहीं कर सकते। और आप चेक कर सकते हैं मार्केट, देखिएगा यहाँ से कहीं नहीं गया, मार्केट आपका साइडवेज चला गया, और देख सकते हैं कोई मुनाफा यहाँ पे नहीं बना। गलत सिग्नल जो होता है उस पर लोग ट्रेड करके भाई बहुत सारा लॉस कर देते हैं, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर जो होगा आपको गलत सिग्नल ट्रेड ही नहीं करवाएगा, अवॉइड करवा देगा, जिसकी मदद से आप मार्केट में सही डायरेक्शन का सिलेक्शन कर पाते हो और इजीली मार्केट से पैसा अर्न कर पाते हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग के सेशन का पूरा, मैं आपको परफॉर्म बता रहा हूँ बिल्कुल लाइव रिप्ले के माध्यम से, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर आप चेक कर सकते हैं टाइमिंग लगभग आपका 3 बजे के आसपास का आ चुका है, और अभी तक देखिएगा हमने निफ्टी के कॉल ऑप्शन के अंदर कोई भी एंट्री नहीं की। दिन भर में हमने अगर चेक किया तो निफ्टी के कॉल ऑप्शन के अंदर हमने एक भी काम नहीं किया, देखिएगा मार्केट आपका क्लोज यहाँ पर हो चुका है,
ठीक है। तो इस तरह से निफ्टी के कॉल ऑप्शन के अंदर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ, निफ्टी के पुट ऑप्शन के अंदर दो काम हुए थे जिसमें हमने काफी अच्छा मुनाफा बनाया, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा मार्केट के अंदर हमने जो भी काम किया था सारी जानकारी आपको बिल्कुल बार रिप्लाई के माध्यम से बता दी है। इसमें कोई भी आपको आशंका, कोई भी डाउट हो, बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जिन मित्रों को ऐसा लगता है कि यार नहीं यार वो तो लाइव मार्केट देखेंगे तब पता चलेगा क्या है रियलिटी, तो आप बिल्कुल लाइव डेमो देख सकते हैं हमारा। देखिए आपको यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर हमारा, कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दे रखा है, आप हमें लाइव मार्केट में कॉल कर सकते हैं, लाइव मार्केट में पूरा सॉफ्टवेयर चेक कर सकते हैं, यानी जो भी आपको डाउट हो ना क्लियर करो, लेकिन एक बार सॉफ्टवेयर यूज करके देख लो, आपको सच में पता चल जाएगा यार दुनिया में पैसा तो बनता है। और दुनिया में देखिए देखिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा, भले आप एक स्टूडेंट हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आपको बिजनेसमैन हो, कोई भी हो आप, अगर आपको लग रहा है कि यार शेयर मार्केट से पैसा बनाना है मुझे, खासकर मुझे निफ्टी में निफ्टी ऑप्शन में काम करके पैसा अर्निंग करना है, तो भी बिल्कुल आपका वेलकम है। आप एक बार सॉफ्टवेयर यूज करके देखें, आप बिल्कुल बोलोगे कि नहीं यार मार्केट के अंदर पैसा बनता है। और अधिकतर जो कंपनियां है ना मार्केट में आपसे क्या बोलती है, भाई ये कर लो, ये कोर्स कर लो, वो कर लो, साहब कुछ नहीं होता कोर्स करने से। जितने भी लोग ज्यादा होशियार होते हैं, ज्यादा जो सीख जाते हैं टेक्निकल, वो लोग लॉस करते हैं, आपने देखा होगा। और जब आपने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, आपने भी चीज नोट की होगी, जब आपने स्टार्ट किया होगा ट्रेडिंग उस टाइम पे आपको मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो पहले आपने मुनाफा किया होगा, प्रॉफिट किया होगा। लेकिन जैसे आपने टेक्निकल सीखना स्टार्ट किया था, आपने MACD सीखा, RSI सीखा, तो फिर आपने लॉस करना सीखा था, और आप चेक कर सकते हैं आपका लॉस कितना ज्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो और ज्यादा नुकसान बढ़ाओगे। इससे अच्छा है सिंपल सा हम काम करें, चार्ट को फॉलो करें, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है इस फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप डेली बेस पर अर्निंग करते हो, ये मेरा वादा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ने वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।